हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप भी अपनी गाड़ी में लगाना चाहते हैं डोर ओपन वार्निंग लाइट्स, जो कि आपने देखी होगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे स्कॉर्पियो या एक्सयूवी में आपने देखी होगी कि जब हम गेट खोलते हैं तो उसके साइड में एक लाइट जलती है ताकि पीछे से आने वाले लोगों को ये पता चल जाए कि गाड़ी का डोर ओपन हुआ है या नहीं। तो इसके लिए जो लाइट्स लगाई जाती हैं वो लाइट्स आज मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाला हूं। तो ये लाइट्स हमने अमेज़न से मंगवा ली है। अब हम करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और आपको पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा इस अपनी गाड़ी अपनी बलिनों के अंदर इन लाइट्स का। तो चलिए करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ हमें और क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलती हैं। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में प्रोडक्ट आता है। आप देखेंगे पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, और इसके हमने दो पेयर ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए हमें ये 1, 2, 3, 4 चार मिले हैं। अगर आप एक पेयर ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको ये दो लाइट्स ही मिलेंगी। तो अगर आपको ये चारों डोर्स पे लगानी है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको दो पेयर ऑर्डर करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको गाड़ी में इंस्टॉल और आपको दिखाते हैं पूरी इंस्टॉलेशन का वीडियो। तो ये जो लाइट्स हैं ये डोर पे इस तरफ लगती हैं, ये चारों डोर पे एक एक लाइट लगती है। और जैसे ही आप डोर को बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करती है ताकि पीछे से आने वाले को ये पता चल जाए कि डोर ओपन है। और इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं अभी आपको यहाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है और ये क्या बैटरी से चलती है या इसके लिए आपको अपनी वायर कटिंग करानी पड़ती है या नहीं करानी पड़ती है, सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे दूंगा। तो जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें अंदर ये सारा सामान मिलता है, जिसमें हमें बैटरीज मिलती है, साथ ही साथ सर्किट मिलता है, इसके साथ साथ इन सर्किट को कवर करने के लिए कैप मिलता है, इसको इनको चिपकाने के लिए यहाँ पे हमें ये एडहेसिव ये जो टेप मिलती है 3M की। अभी हमने ये जो ऑर्डर किया वो हमने 5 LEDs वाला ऑर्डर किया है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 3 LEDs एक 5 LEDs। इनके अंदर भी आपको तीन मोड अवेलेबल होते हैं, एक फास्ट मोड होता है जब ये लाइट चलती है, एक स्लो मोड होता है जब ये लाइट जलती है, और एक राउंड मोड होता है जब ये लाइट जलती है। तो इसको कैसे फिक्स करके इसका पेयर बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बैटरी इसके साथ मिली थी इसको आपको यहाँ पीछे इसके अंदर डालना है, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे पीछे जगह बनी हुई है। तो जैसे हम इस बैटरी को डालेंगे आप देखेंगे कि ये जलना शुरू हो जाएंगे। और इसको आपको ये सर्किट की जो कैप उन्होंने दी हुई है उसके अंदर डालना है, ये पूरा इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद इस सर्किट को आपको कवर कर देना है इस कैप से। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा अच्छे से ब्लिंक कर रहा है और ये पूरा नजर भी आ रहा है इसके अंदर वीडियो के अंदर। तो कुछ इस तरीके से पूरी लाइट्स कवर होने के बाद ऐसी दिखती है। और इसके साथ ये जो मैग्नेट मिली है, अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी, जैसे कि हम डोर बंद करेंगे तो ये बंद रहेगी, साथ ही साथ जैसे ही ये डोर से दूर होगी अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये जलना। तो अब इसको फटाफट अपनी गाड़ी में लगाते हैं। तो अगर आपके पास बलिनो है तो आप इसको कुछ यहां पर प्लेस कर सकते हैं, ये ठीक इसके सामने है। इसको इसके आप रेफरेंस के तौर पे ये जो ब्लैक वाला जो नॉब है इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर को सामने ही है ये, तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई और दूसरी गाड़ी है तो उसको आपको अपने जजमेंट के हिसाब से ही प्लेस करना होगा ताकि जब भी हम गेट को बंद करें ये दूसरी तरफ टकराए ना। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको इसको प्लेस करना है उसको अच्छे से क्लीन करना है ताकि टेप जो है बिल्कुल अच्छे से वहां चिपक जाए। तो ये जो 3M की टेप है इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे जहाँ पे हमने अभी क्लीन किया है, ये टेप हमने यहाँ फिक्स कर लिए। तो अभी ये हमने ऊपर से इसकी जो टेप की एक लेयर है वो हटा दी है, जो भी इसके ऊपर लेयर लगी हुई है इसको हमने हटा दिया ताकि अब हम इस लाइट को यहाँ पे चिपका पाए। तो चलिए करते हैं इस लाइट को इसके ऊपर चिपकाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चिपकेगी और चिपकने के बाद कुछ इस तरीके से ये लगेगी। देखते हैं कहीं डोर के ऑपरेशन में ये जो भी डोर के खोलने या बंद करने के ऑपरेशन में कहीं अड़ तो नहीं रही है। तो ये ठीक से बिल्कुल चिपक गई है, ये कहीं भी बीच में अड़ नहीं रही है। चलिए पीछे यहाँ पे ये जो इसकी मैग्नेट है उसको भी प्लेस करते हैं, अच्छे से पहले इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद मैग्नेट को भी यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये जो छोटी वाली इसके अंदर स्टिकर दिया गया है इसको यहाँ पे लगाना है, ये मैग्नेट के लिए स्टिकर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने इस स्टिकर को लगा दिया और अब हम इसको ऊपर से जो इसका कवर है उसको निकालेंगे और उसके बाद मैग्नेट को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ये मैग्नेट है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं।
तो ये हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। तो अब आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया है और सामने भी हमने मैग्नेट लगा दिए। तो अब आपको दिखाता हूँ ये लाइट्स प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ये भी हमने डोर बंद किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि लाइट बंद है इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस डोर को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे लाइट ब्लिंक करना शुरू कर रही है। तो आगे वाले डोर की पोजीशन कुछ यहाँ पर रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ रहेगी कुछ। तो चलिए इसको भी इसके ऊपर चिपका के आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे चिपका दिए, चेक कर लेते हैं कि कहीं ये अड़ तो नहीं रही है। तो डोर बिल्कुल प्रॉपरली बंद हो रहा है। तो इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, ये आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपको लगाना है, इसे थोड़ा सा ऊपर करके आपको लगाना है। तो ये हमने मैग्नेट प्लेस कर दिए। तो अभी स्टिकर की हम कवर उतार देंगे और ये जो मैग्नेट हमारे हाथ में, इसको हम इस स्टिकर के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये कवर हमने निकाल दिया और ये मैग्नेट है, हम इसको इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये मैग्नेट प्लेस हो गई है। तो अभी चेक करते हैं इसकी लोकेशन, में आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर दिया है, साथ ही साथ मैग्नेट भी अपनी जगह पे फिक्स हो गई है। तो अब ये डोर बंद करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम डोर बंद करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही है। अब देखते हैं डोर ओपन करने पर ये लाइट जलती है, देखिए डोर ओपन करने पर ये लाइट जल रही है। तो यानी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं भी ये गेट में बीच में अड़ भी नहीं रहे। दिन का समय है, अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो अभी लाइट चमक नहीं रही है, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी, जैसे ही थोड़ी रात होगी, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कितनी इफेक्टिव ये लाइट लगती है। अगर साइड के डोर ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, ये पूरा का पूरा ग्लो कर रहा है। और पीछे से आने वाले सभी को ये पता चल जाएगा कि गाड़ी के डोर ओपन है, तो उनको डिस्टेंस बना के रखना है गाड़ी से दूर। तो ये साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ ही मैं आपको पूरे चारों डोर ओपन करके भी एक बार दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लुक देता है गाड़ी के डोर्स को भी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी के चारों डोर्स ओपन कर दिए हैं, उसके बाद ये मैं आपको पूरा उसका लुक दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके मन में भी इस प्रोडक्ट को लेकर कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल पर जाकर, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।